हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल चलो लर्न करते हैं। मेरा नाम है मनीषा। आज हम लोग पढ़ेंगे माय माइन योर योर्स हर हर्स आवर आवर्स देयर देयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग माय और माइन के बारे में पढ़ेंगे। माय मीन्स भी मेरा होता है और माइन मीन्स भी मेरा ही होता है। अब क्वेश्चन ये है कि माय का यूज़ कहाँ करेंगे और माइन का यूज़ कहाँ करेंगे। अब ये सेंटेंस देखिए, यह मेरी किताब है, ठीक है, यह मेरी किताब है, तो इसका हो जाएगा दिस इज माय बुक। तो माय हमारा किस लिए हुआ? यहाँ माय हमारा इसलिए लगा क्योंकि मेरे के बाद किताब आया, यानी कि नाउन आया है। तो नाउन वो होते हैं जिसमें पर्सन, कोई भी पर्सन, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी थिंग्स का नाम और एनिमल्स का नाम सब आए, यानी कि नाउन आए, यानी नेमिंग वर्ड आए। तो मेरी के बाद जब ये आए तो यहाँ यूज़ करेंगे माय। ओके, दिस इज माय बुक। जरूरी है कि हमारा मेरी के बाद नाउन आए तभी यूज़ होगा माय, ऐसे यूज़ नहीं होगा। ऐसे क्या यूज़ होगा? जैसे देखिए, यह किताब मेरी है, तो दिस बुक इज़ माइन। ओके, तो यहाँ मेरी के पहले यूज़ हुआ है नाउन का, यानी किसी भी वस्तु का। किताब तो थिंग ही है ना, तो यहाँ मेरी के पहले यूज़ हुआ है इसलिए यहाँ पर हमने माइन लगाया। माइन के बाद हमें नाउन यूज़ नहीं करना है। माइन के पहले कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिससे माइन के पहले ना भी यूज़ करें तो चलेगा। यह किताब मेरी है तो दिस बुक इज़ माइन। माइन के बाद हम नाउन का यूज़ नहीं करेंगे, पहले करेंगे। ओके, यहाँ माइन जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि वो बुक के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, बुक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि दिस इज़ माय बुक, ये मेरी किताब है। तो इसलिए अब माय जो है, माय हो गया, योर हो गया, हर हो गया, ये सब जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव में आते हैं। ये देखिए, माय, योर, हर, आवर, देयर, ये सब आएंगे हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव में, क्योंकि वो नाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और यहाँ माइन योर्स हर्स आवर्स देयर्स, ये आगे हमारे पॉजिटिव प्रोनाउन में। ओके, तो पॉजिटिव वर्ड जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, उसका, इसके बाद अगर नाउन आता है तो वहाँ पर माय, योर, आवर, देयर, हर, ये लगेगा। ओके, और अगर उसके बाद नाउन नहीं आए तब लगेगा माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, देयर्स, ऐसे यूज़ होगा। अब इसी तरह इस सेंटेंस को देखिए, दैट इज़ योर हाउस, वह तुम्हारा घर है, ठीक है, दैट इज़ योर हाउस। अब यहाँ भी योर के बाद नाउन आया, यानी कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग, जो आए पॉजिटिव वर्ड के बाद, यानी मेरा, तुम्हारा, हमारा, इसके बाद अगर नाउन आए तो हमारा वो वर्ड इंग्लिश में हो जाएगा, मेरा का माय, तुम्हारा का योर, ये हो जाएगा। ओके, तो दैट इज़ योर हाउस। अब इसी तरह अगर हमें योर्स लगाना है तो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर हो गया दैट हाउस इज़ योर्स, तो ये योर्स हमारा लास्ट में आ गया। तो योर्स के बाद में हमें नाउन यूज, योर्स के बाद में हमें नाउन यूज़ नहीं करना है। नाउन हमें यूज़ करेंगे तो पहले करेंगे। ओके, अब देखिए, अब हम ये अगर कहें मेरा घर यहाँ है, तुम्हारा वहाँ है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? मेरा घर यहाँ है तो माय हाउस इज़ हियर, ये हमारा हो जाएगा माय हाउस इज़ हियर। यहाँ माय लगा सकते हैं, माइन नहीं, क्योंकि माय के बाद हमारा नाउन आ रहा है, मेरा के बाद नाउन है, तो हम यहाँ पर माय यूज़ करेंगे, माय हाउस, ठीक है। अब तुम्हारा वहाँ है, यहाँ तो नाउन नहीं है, तुम्हारा वहाँ है तो नाउन तो यहाँ नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? योर्स, ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे योर्स, योर्स इज़ देयर। तो इस तरह से भी हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है। योर्स माइन, आवर्स इज़ देयर, हमारा वहाँ है, तो ज़रूरी नहीं कि इसके पहले हम, योर्स के पहले हम नाउन का यूज़ करें। जैसे हमने इस सेंटेंस में पढ़ा था दैट हाउस इज़ योर्स, तो यहाँ योर्स के पहले नाउन का यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है, तो हम योर्स वाले जो कैटेगरी के जो वर्ड हैं, योर्स, माइन, हर्स, इसमें हम
पहले भी नाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन बाद में तो नाउन यूज हमें करना नहीं है, हम पहले यूज नाउन कर सकते हैं और योर्स फिर इस तो हमें लगाना है, ठीक है, वर्ब हमें लगाना है। योर्स इज देयर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, योर हाउस इज देयर, ठीक है। अगर हम योर का यूज कर रहे हैं तो हमें नाउन लाना पड़ेगा, योर हाउस इज देयर, समझ गए होंगे। यहाँ हमने योर्स ना लिख करके योर लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा योर के बाद नाउन आ रहा है, ठीक है, तुम्हारा घर, घर आ रहा है तुम्हारे के बाद, इसलिए हमने यहाँ यूज किया योर हाउस, योर्स हाउस नहीं यूज किया, योर हाउस इज देयर। अब चलिए, इस यह उसकी कार है, अब इतना तो हमने समझ लिया, तो अब इसका ट्रांसलेशन क्या हो सकता है, यह उसकी कार है, तो यह का होता है दिस और उसकी के बाद क्या आ रहा है, हमारा कार आ रहा है, यानी कि नाउन आ रहा है, थिंग है ना, कार आ रहा है, तो हम यहाँ हिस लगा दे या हर लगा दे, जिससे भी इंडिकेट कर रहे हैं, फीमेल पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं तो हर हो जाएगा, मेल पर्सन को इंडिकेट कर रहे हैं तो हिज हो जाएगा, तो दिस इज हिस या फिर हर कार, ओके। अब ये तो ऐसे हो गया क्योंकि हमारा उसकी के बाद नाउन आ रहा है, इसलिए हमने हिज या फिर हर लगाया। अब अगर हम कहें यह कार उसकी है, तब आप बताइए इसका क्या हो जाएगा, उसकी के बाद हमारा नाउन नहीं आया है, हमारा उसकी के पहले नाउन आया है, तो हम लिखेंगे दिस कार इज, हिज का हिज ही रहता है, हिज का एस नहीं लगता, ओके, हिज का हिज ही रहेगा, तो दिस कार इज हिज या फिर हर्स, हर में एस लग जाएगा, हर्स हो जाएगा, तो दिस कार इज हिज या फिर हर्स, यह कार उसकी है। अब अगर हम ये कहें, ये सेंटेंस बनाएं, उसकी कार पुरानी है, ठीक है, उसकी कार पुरानी है तो हिज कार हो जाएगा ना, हिज कार इज ओल्ड, फिर हर लगा दे, जो भी लगा दे, हिज कार इज ओल्ड, उसकी कार पुरानी है, मेरी नई है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी नहीं है, डायरेक्ट हमने ये यूज़ नहीं किया कि मेरी कार नहीं है, हमने यूज़ किया मेरी नहीं है, तो मेरी नहीं है, हिज कार इज ओल्ड, माइन इज न्यू, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माई कार इज न्यू, है ना। इन दोनों का मीनिंग एक ही है, जब कार आया माय तो माय लग गया, मेरी कार तो माय लग गया, जब कार नहीं था तो माइन हो गया, माइन इज न्यू। अब जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, आवर बाइक इज ब्लू, ठीक है, तो आवर बाइक इज ब्लू, हमारी बाइक क्या है, ब्लू है, और उनकी बाइक रेड है, तो हम ऐसे ले, आवर बाइक इज ब्लू, देयर बाइक इज रेड, तो यहाँ पर जो है आवर भी हमारा क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, देयर भी हमारा पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब हम देयर बाइक इज रेड ना लिख करके अगर हम लिखेंगे क्या, देयर्स इज रेड, तो इसी को हमें ऐसे लिखना है, देयर्स इज रेड, मतलब ये तो हमें पता है बाइक के बारे में बात कर रहे हैं कि आवर बाइक इज ब्लू, देयर्स इज रेड, उनकी रेड है, हम यहाँ बाइक का यूज ना करके, बाइक वर्ड ना लिख करके डायरेक्ट लिख दिए, डायरेक्ट बोल दिए देयर्स इज रेड, तो ये भी हमारा सेंटेंस सही है। और देखिए देयर्स यहाँ लग गया जब, तब यहाँ पर हमारा नाउन इसके बाद नहीं लगा, देयर के बाद, आवर के बाद, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगना ही लगना है, उसके बगल में नाउन लगेगा ही लगेगा, ठीक है, और यही नाउन अगर पहले आ जाए तो हमारा एस लग जाएगा, देयर्स, आवर्स, माइन, हर्स, ये हो जाएगा, ओके। अब आवर्स का लेके चलते हैं, जैसे यहाँ लिखा आवर बाइक इज ब्लू, हमारी बाइक ब्लू है, अगर इसे ऐसे लिखें ब्लू बाइक हमारी है, तो हम कैसे लिखेंगे, ब्लू बाइक इज आवर्स, ऐसे लिखेंगे, बाइक एक ही ना है इसलिए यहाँ पर इस लगा, अगर बहुत सारी बाइक होती तो आर हो जाता, तो ब्लू बाइक इज आवर्स, ये इसका है और ये दोनों का एक ही मीनिंग हो गया और ये दोनों का एक ही मीनिंग हो गया, ओके। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा कि माइक कहाँ यूज़ होगा, माइन कहाँ यूज़ होगा, योर कहाँ यूज़ होगा, योर्स कहाँ यूज़ होगा, ठीक है, हिज, हर्स, ये सब कहाँ यूज़ होगा,
ये सब आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा भाई, सब्सक्राइब करने के कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं। ओके, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।